नमस्ते और आप सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में बॉस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आज आप लोग के साथ शेयर एंड डिस्कस होने वाला है। नवंबर 22 में मैं अभी गो थ्रू कर रहा था क्योंकि मेट 23 का बनाना था मेरे को। एंड सो मेनी क्वेश्चन जो हमने एलडीआर में बोले थे वो पूछे गए थे एग्जाम में। सो प्लीज गाइस टेक इट वेरी सीरियसली। ये पीडीएफ जो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं टेलीग्राम से यू हैव टू डाउनलोड। सो डेफिनेटली डू दैट। दूसरा प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लो। क्यों मैं बोलता हूं, कल है ना मेरा लाइव सेशन हुआ था, लाइव बैच एक जो मैंने डाला था मेरे पुणे वाला, वो मैंने पुटअप किया। अब कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज है सर हमारे को तो पता ही नहीं चला क्यों, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन नहीं किया है। तो सब्सक्राइब्ड है बट नोटिफिकेशन नहीं आया आपको, तो आपको पता नहीं चलता है। सो प्लीज गाइज स्टे कनेक्टेड दैट वेज। एंड पूरा का पूरा वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूं एंड तक। अभी बॉस आपके SCMPE का जब तक एग्जाम नहीं होता है ना तब तक अपने को कनेक्टेड रहना है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब कुछ मैं नए क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, कुछ अपना माइंड लेवल डिस्कशन हो रहा है। सो ऑल ऑफ दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस वी विल बी देयर। सो लेट्स डू इट। अब यहाँ पे आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मस्ट डू इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चंस। तो उसको मैंने चार फेज में डिवाइड किया है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। सीक्वेंस क्या रखना है, तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या सीक्वेंस रखे एंड चैप्टर वाइज वेटेज अब तक क्या रहा है, वो भी कई बार स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है बिकॉज उससे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस पता चलता है। एंड लास्ट एबीसी कि भाई कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये अटेम्प्ट के लिए एंड अपने को कैसे उसको प्रॉपरली करना है। सो ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। सो एंड तक रहो सो दैट यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। सो ये रहा हमारा वो पीडीएफ जो मैं May 23 के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोग के सामने। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज, इसमें नवंबर 22 का भी वेटेज मैंने इंक्लूड कर लिया है, रिवीजन लेक्चर का क्या सीनारियो कहां से कर सकते हो, केस स्टडी डाइजेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर चुका हूं मेरे टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे। लास्ट डे रिवीजन के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। मैं आप लोगों को खाली एक आइडिया दे दूं कि ये जो हम लोग ने नवंबर 22 के लिए बनाया था उसमें आप लोग अगर एक चीज नोट करोगे देन यू विल रियलाइज दैट ये देखो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट का एक सम था SBAQ 18 आया, ये सिमिलर इनफैक्ट सेम क्वेश्चन आया ये एग्जाम में। फिर देखो JIT के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया एग्जाम में आया। यस सो 20 इधर दिख रहा है प्लस ये आई थिंक 10-15 मार्क का होगा ही प्लस एक क्वेश्चन था चैप्टर 8 का, ये रहा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन। ये तो मैंने लाइव भी इसका यूट्यूब पे करवाया, आया ये क्वेश्चन भी। सो दिस बी अराउंड से अराउंड 10-15 मार्क्स व्हाटएवर। सो काफी सारा चीज जो यहां पे मैं बता रहा हूं विल कम इन द एग्जाम, ठीक है। एंड मैं बोल रहा हूं बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है, जो चीजें भी बची है इंस्टीट्यूट उसको एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। बट आपको एज अ स्टूडेंट शायद ना पता हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट ने पूछा है नहीं पूछा है। सो वो पूरा मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा है। बजटरी कंट्रोल जो नवंबर 22 वालों ने यूजुअली ऑप्शन में छोड़ा था, बट अगर आप यहाँ पे मेरा एनालिसिस देखो तो मैंने बोला था फीडबैक फीड फॉरवर्ड आएगा, आया उसके ऊपर एक क्वेश्चन, बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया। सो फॉर मी दिस वॉज ऑल्सो टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। सो ये बार क्या एक्सपेक्टेशंस है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल लिंक पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, गो एंड गेट इट। अब आपको एज अ स्टूडेंट अगर जानना है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आया है देन यहाँ पे आप लोग के पास वो ये वाला पीडीएफ अवेलेबल है, यू विल फाइंड इट ओनली हियर। आई डोंट थिंक सो आप लोग के पास कहीं और मिलेगा। सो प्लीज इसको प्रॉपरली डाउनलोड करके रखो। ये देखो चैप्टर 11 एंड 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी, मैंने ना ओल्ड वाला वो नंबरिंग लिया। सो चैप्टर 5 ही जब हुआ करता था वो वाला नंबरिंग। सो 55 मार्क्स फ्रॉम दैट चैप्टर। यस चैप्टर 3 लर्न लीन सिस्टम एंड इनोवेशन 23 मार्क्स। तो जिसने ये तीन चैप्टर भी करके गया हो गया उसका तो काम हो जाए। और इसमें से कोई एक भी चैप्टर आपने ऑप्शन में छोड़ा हो देन इन दैट केस आप ये वीडियो देख रहे होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो एनीवे सो आई होप अब अपन करके जाएंगे, एक भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है बिकॉज ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। लास्ट अटेम्प्ट में चैप्टर 1 में से कुछ नहीं आया, यू नेवर नो ये बार आ सकता है। चैप्टर 10 जो अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है उसमें उन्होंने May 22 में 25 मार्क्स का पूछ लिया एंड November 22 में एक मार्क का भी नहीं पूछा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो इंस्टीट्यूट भी लगता है ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से गया,
एक मार्क का नहीं पूछा उन्होंने, क्यों? क्योंकि उसके प्रीवियस अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इंस्टीट्यूट ने 25 मार्क्स का पूछा। खैर, अपने को तो सब चैप्टर करना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो मैं आप लोगों को केस स्टडी के लिए बोलते रहता हूं, आई विल कम बैक टू दिस। अब कैसे अपने को एग्जेम्पशन स्कोर करना है, तो इसके लिए मैंने चार फेज में आप लोग की स्टडीज को डिवाइड किया है। पहले आप लोग फोकस करके फेज वन कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज यहां से मैक्सिमम आने का चांसेस है मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट दो अटेम्प्ट में मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट इतना नहीं पूछा है, उसके पहले दो अटेम्प्ट में 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, समझ रहे हो? सो ये है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, भी लास्ट अटेम्प्ट में हार्डली 2-3 मार्क का पूछा, अदरवाइज उसका 30-30 मार्क का वेटेज होता है। So, हो सकता है ये बार आ जाए। ट्रांसफर प्राइसिंग लास्ट टाइम भी था, ये बार अराउंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर फेज टू, फेज टू वाले सारे चैप्टर्स है जो मैंने हमारे लाइव इंडिया टूर में कराए थे, उसमें से परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैंने अपलोड भी कर दिया है, सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट एज वेल। फिर बाद में है फेज थ्री, तो डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग पॉलिसी, बजटरी कंट्रोल एंड लास्ट में इंट्रोडक्शन टू SCM एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये फेज फोर में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे मैं ऐसा इसलिए रख रहा हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट हो जाएगा। खाली मेरे मैजिक बुक के खाली रिवीजन लेक्चर्स भी तुम लोग ने इसमें देख लिए ना, मैं आपको बोल रहा हूं आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है? अब नवंबर 22 में चैप्टर 1 और चैप्टर 10, ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है, इन दोनों चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, चांसेस आर कि ये दोनों में से ये बार क्वेश्चन आएगा। सो फेज फोर में इसलिए नहीं डाला है कि आएगा नहीं, इसलिए डाला है कि ये खाली मेरे यूट्यूब के जो रिवीजन लेक्चर्स है उससे भी काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ना, लास्ट टाइम जिसने भी छोड़ा है दे हैड अ टफ टाइम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का रिविजन लेक्चर्स है, प्लीज यूटिलाइज देम। इनफैक्ट अगर आप लाइव मैराथन में थे फेस टू फेस वाले, वहां पे हम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है, बिकॉज आई नो अदरवाइज खुद से आप वो नहीं कर पाओगे चैप्टर, सो आई गेव इट ड्यू इंपॉर्टेंस। अब आएगा नहीं आएगा दैट ओनली टाइम विल टेल, राइट? सो इस हिसाब से आपको करना है, टोटल 11 ही चैप्टर्स है तो इजिली मैनेजेबल, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट है, हो सकता है एंड सिस्टमैटिकली करना है। इंपॉर्टेंट केस स्टडी का लिस्ट मैंने आप लोग को दे दिया है, वो उतना कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। So, कई बार स्टूडेंट का ये भी डाउट आता है कि सर क्या सीक्वेंस रखना है और कितना टाइम देना है। अब देखो, टाइम थोड़ा सब्जेक्टिव है, किसी के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट इजी है और उसका फटाफट हो जाएगा, स्पेशली जिसने मेरा वो इंडिया टूर अटेंड किया उसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट टाइम लगेगा ही नहीं, बट अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग को ज्यादा टाइम लग सकता है, राइट? सो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट अगर आप लोग को देना है तो अप्रोक्सीमेटली 8 डेज दे सकते हो एंड डिवाइड कर सकते हो, जैसे ये दो चैप्टर है और ये चार चैप्टर है, ये चार चैप्टर मिला के 2 दिन में आपका काम हो सकता है, ठीक है? जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पूरा 1 दिन लग सकता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, जैसा मैंने बोला कि जिसका हो गया मेरे साथ उसके लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों मिला के 1 दिन लग जाएगा। तो ऐसे करके टोटल आप 7-8 डेज दे सकते हो और फिर उसको क्विक फायर रिवाइज कर सकते हो, दैट विल बी बेस्ट। एंड इस सीक्वेंस को फॉलो करो। अगेन, सीक्वेंस में मैंने लास्ट ये दोनों चैप्टर रखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट आई फील दैट ये इमीडिएटली आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लेके ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, इजिली हो जाएगा, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बस उतना करके गए काम डन है अपना, ठीक है? सो फॉलो दिस सीक्वेंस। स्ट्रेटेजिकली मैंने सीक्वेंस रखा है, पहले लीन सिस्टम जिसमें थियोरी प्लस प्रैक्टिकल है, फिर पूरा प्रैक्टिकल, फिर थियोरी प्रैक्टिकल के कुछ लिए हैं, फिर फुल प्रैक्टिकल, फुल थियोरी, ऐसे करके मैंने इसको डिवाइड किया है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मैनेज दिस होल सब्जेक्ट, राइट? वैसा देन कॉन्सेप्ट दैट ICAI शुड टेस्ट फॉर May 23। अब मैंने क्या किया है, जो चीजें बची है अब इंस्टीट्यूट वो पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो ये पोर्टर्स 5 फोर्सेज आ सकता है, वैल्यू शॉप मॉडल आ सकता है शायद, लेट्स सी। एक केस स्टडी है लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर, RTP नवंबर 20 का है, दैट कैन बी आस्क्ड। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बार या तो सर्विस लेवल अरेंजमेंट या गेन शेयरिंग अरेंजमेंट आने के चांसेस हैं पब्लिक, इसमें से कुछ कर सकते हो आप लोग। TQM का जो सम है वो कूल एयर वाला, वो एक कर सकते हो ट्राई। अब तक मैं थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट रखता था, इस बार मैंने उसको निकाल दिया है बिकॉज लास्ट टाइम ही वो आया था। देन लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में माई पर्सनल फेवरेट
कैन बैन कार्ड के ऊपर जो केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है, गाइस प्लीज प्रॉपरली कर लेना। हमारे इंडिया टूर में हम लोग ने किया था एंड वी डिड इट वेरी थरली। मैं ट्राई करूंगा इसका एक क्विक फायर वीडियो बना दूं सो दैट थिंग्स बिकम इजी फॉर ईच वन ऑफ यू। ठीक है, डिपेंड्स, ये आप लोग अगर कमेंट्स में बताते रहोगे ना कि सर हमारे को ये चाहिए, आप कैनबैन कार्ड के ऊपर एक क्विक वीडियो बना दो, या आप रिवर्स ओई के ऊपर कुछ बना सकते हो क्या, या कैनबैन कार्ड एंड से रोका हो गया, सो ऐसा कुछ अगर आप लोग को चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। टीपीएम के 8 पिलर्स, अगेन जो भी वो लाइव मैराथन बैठा है आपके पास ये 8 पिलर्स ऑन द टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ऑटोनोमस, राइट, प्लान, मेंटेनेंस, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, फोकस्ड मेंटेनेंस, क्वालिटी, अर्ली इक्विपमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, याद है कि नहीं सब? ग्रेट, सो ये इंपॉर्टेंट है ये बात। कैनबैन कार्ड टीपीएम के 8 पिलर्स, 5S भी आ सकता है, सो लेट्स सी। काइज़ेन कॉस्टिंग का भी थियोरी एक्सपेक्टेड है, सो ये सिनेरियो है। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है ये चैप्टर क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने इसको बहुत वेटेज दे दिया, बट फिर भी आरटीपी में एक ईएमए का समय वो आ सकता है, या बाकी टारगेट कॉस्टिंग, परीटो एनालिसिस तो है ही, एप्लीकेशन ऑफ परीटो एनालिसिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बाकी डिसीजन मेकिंग है, शटडाउन पॉइंट, मेक वर्सेस बाय है, एक एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए क्वेश्चन एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल के ऊपर। यहाँ पे गेन शेयरिंग एंड सर्विस लेवल बोला मैंने, तो गेन शेयरिंग मुझे लग रहा है आएगा, एंड एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल के ऊपर एक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में आएगा। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसा फीलिंग आ रहा है, दिस कैन कम, लेट्स सी। फिर प्राइसिंग डिसीजन इजी चैप्टर है, फटाफट आप लोग कर सकते हो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, लास्ट टाइम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बोला था, इट केम, अब देखते हैं। परफॉर्मेंस पिरामिड है, एज यूजुअल जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट ईवीए का सम है वो आ सकता है, बट मुझे जो लग रहा है पूछना चाहिए, जो हम लोग ने इंडिया मैराथन में भी किया है, एंड दैट इज आर ओ आई आर आई कंपेरिजन का May 22 के आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1। यस, यू हर्ड दैट राइट, May 22 का जो आरटीपी है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉस फुल चांस है उसमें से क्वेश्चन आएगा, सो प्लीज डू इट प्रॉपरली। यस, यूट्यूब पे भी है, शायद इसका भी कुछ क्विक फायर में बना दू, लेट्स सी। देन ट्रांसफर प्राइसिंग एज यूजुअल फेवरेट है ही, आपका भी मेरा भी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इजी है, इंपॉर्टेंट भी, इसमें वो सीआरएम वाला है वो ट्राई कर लेना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे भी एक और चीज लिख देता हूँ, सीआरएम डायरेक्टली आरटीपी के थ्रू है, वो एक कर सकते हो आप लोग। बजटरी कंट्रोल, लास्ट टाइम झटका देखे गए, दिस टाइम ये वाला क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेड था बट नहीं आया। That leadership principles and management process of beyond budgeting, इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, COAT P and RTP 2-3 ऐसा कुछ है, तो वो आप लोग देख लो याद रखने के लिए। सर थ्योरी याद नहीं रहती है, 2-3 बार सुनना पड़ेगा वीडियोस, साथ साथ में थोड़ा मेरे जब मैं पढ़ा रहा हूं तब एक नोटबुक ओपन करके उसके जो भी मेन पॉइंट्स है वो खुद से लिखने पड़ेंगे यार, एंड ऑफ द डे खुद से लिखा हुआ चीज ही दिमाग में याद रहेगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट। And as usual, standard costing, market share, market size कुछ आ सकता है। Investigation of variances का theory एक part है, वो आ सकता है। ABC with standard costing, planning and operational variance काफी time से वो लोग भूल गए हैं, तो इस पे भी question expected है, right guys? So please ensure कि आप लोग इसको properly follow कर रहे हो and ये PDF को religiously use कर रहे हो। Points to remember, जब आप case study का कोई question कर रहे हो तब आप लोगों को देखना है, इन जनरल कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है कि समरी बनाना है हर एक क्वेश्चन का, स्टेप बाय स्टेप आंसर्स, रिक्वायरमेंट प्रॉपरली दो, राइटिंग हैबिट करना पड़ेगा, सुन रहे हो ना लेक्चर साथ में लिख लो ना, थोड़ा सा और एफर्ट लगेगा, क्यों आलसी बन रहे हो यार, मार्क्स चाहिए, सीए बनना है, तो इतना एक और चीज मेरे लिए कर लो प्लीज, विल रियली बी हैप्पी विद दैट। ठीक है, So, वैसा सीन है ना, आप लोगों को कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करो, जो चाहिए थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, आरटीपी का कोई क्वेश्चंस है, वो सारे जो भी नए क्वेश्चंस है आरटीपी के सब मैंने पुट अप किए हुए, ऑल यू हैव टू डू इज स्कैन एंड आई थिंक आराम से काम हो जाएगा, राइट गाइज। सो प्लीज ये बार एग्जेम्पशन पार, मैं पास की बात ही नहीं कर रहा हूं, एग्जेम्पशन पार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स है जिनको आया है ये बार एग्जेम्पशन, सो डेफिनेटली यू ऑल्सो कैन एंड विल डू इट, आई एम श्योर। जस्ट फॉलो करो जो जो चीजें बता रहा हूं मैं, एंड वो बेस्ट आप लोग के लिए रहेगा।
चल सो गाइस एनीथिंग एल्स यू वांट कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को थोड़ा डिटेल लेक्चर चाहिए बट हमारे को सब चैप्टर्स नहीं चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल आपको चाहिए से ट्रांसफर प्राइसिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, या आपको चाहिए से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल जो लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग ने फेज वाइज डिवाइड कर दिया। आपको चाहिए अभी टाइम कम है तो आप खाली फेज वाइज भी ले सकते हो, बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे खाली दो तीन चैप्टर ही चाहिए कनेक्टिंग वाले हैं, तो यू कैन गो विद दैट फेज वाइज थिंग ऑल्सो। बाकी एक टेस्ट दे देना यार, हमारा मत देना, इंस्टीट्यूट का दे देना, किसी का भी दे देना, खुद से दे देना, प्लीज इट विल रियली बी हेल्पफुल। ओके गाइस सो प्लीज ये डाउनलोड कर लो और आने वाले जितने भी दिन है एकदम रिलीजियसली कर लो। ट्रेंड सेज कि एटलीस्ट 50 मार्क का यहां से आने वाला, उसमें से अगर 30-35 बराबर से स्कोर कर लिया, दैट्स इट, लाइफ सेट है, राइट। 30-35 तो 50 मार्क यहां से आएगा तो 30-35 उसमें, बाकी के 50 मार्क खुद से करोगे तो आई एम श्योर यार जो एग्जेम्पशन वाला अपना एक ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकता है SCMP में। ओके गाइस टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता, और कुछ आप लोगों को चाहिए मेरी तरफ से तो प्लीज लेट मी नो एंड बी द हैप्पीएस्ट टू हेल्प। SFM के आपके कोई फ्रेंड्स है या ग्रुप वन वाले हैं तो SFM के लिए भी मैं ऐसा ही कुछ बना रहा हूँ, इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपके दोनों ग्रुप है तो आप SFM के लिए भी इसको मेरे फॉलो कर सकते हो। ओके टाइम टू मी गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन एंड लाइक वाइक यार, लाइक वाइक और कमेंट वमेंट करते रहो यार, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। लाइक करोगे ना तो अगेन एल्गोरिथम है यूट्यूब का जो बोलता है कि अगर लाइक किया है तो आप लोग को हम इस इंसान के जो अच्छे वाले वीडियोज है, जो आप लोग के दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं, जो आप लोग को चाहिए, जो आप लोग के रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें डाली है, तो फिर वो एल्गोरिदम आप लोग को वही वाले वीडियोज देगा जो आप लोग सोच रहे हो, राइट। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लाइफ, सो यू कैन डू दैट एज वेल। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, मिलते रहेंगे रेग्यूलर बेसिस पे। इस बार जब तक SCMP एकदम एग्जाम में जाने के पहले आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ ना, मिलते रहेंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।